तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? सर मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या मेरे लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? मैं उनको कब छोड़ूं? दुख तो दे रहे हो ना, इसे दुख देना ही कहते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने इतने प्यार से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, सोसाइटी में स्टेटस दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा, उन्हें तुम दुख दे रहे हो। तो तुम कहने की क्या कोशिश करी कि मैं एक एहसान फरामोश शख्स हूँ? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तराजू के एक पलड़े में मेरी मोहब्बत और एक में उनकी इज्जत और खुशी रखो और फिर फैसला करो। हमारी मोहब्बत को मेरे माँ बाप की मोहब्बत से कंपेयर कैसे कर सकते? क्यों ना करूं? तुम आज उनकी मोहब्बतों को मेरे लिए झुठला रहे हो, कल को मेरी मोहब्बत को किसी और के लिए झुठलाओगे? अच्छू जैसी बातें मत करो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल तो नहीं मान रहा जैन, मैं उन खुदगर्ज लड़कियों में से नहीं हूं जो अपनी खुशियों के लिए किसी को दुख दे। मोहब्बत बेचकर इज्जत और इज्जत बेचकर मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती जैन, ये साथ साथ चलती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। प्लीज अस्का प्लीज, तुम एक बार फिर सोच लो। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, तुम्हारे माँ बाप की खुशियों के बदले तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे।